सो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यू द वीडियो। अब इस वीडियो में जो यहाँ पर एक सॉल्वड प्रॉब्लम है, इसको मैं एलिब्रेट करूँगा आपको आज इस वीडियो में करूँगा। ये दिस इज ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इक्विक कन्वेक्स लेंस हैविंग रेडी ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ 1.6 मीटर। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर रेडी दिए हैं, क्योंकि जो इक्वी कन्वेक्स लेंस हैं उनमें दो सर्फेसेस हैं। दिस इज द पोल ऑफ द फर्स्ट सेंटर P1 फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज रेडी। रेडी दोनों का बराबर है 10 सेंटीमीटर, दिस इज R1। इसी तरह ये दिस इज द पोल P2 ऑफ द सेकेंड सरफेस ऑफ द लेंस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड सरफेस ऑफ द लेंस एंड दिस इज रेडी। रेडी दोनों का बराबर है 10 सेंटीमीटर। गो रेडी ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए, दोनों सरफेस के लिए बराबर है। गो R1 इज 10 सेंटीमीटर एंड R2 इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। सो वो रिफ्लेक्ट इंडेक्स जो कन्वेक्स लेंस जिस मटेरियल का बनाए उसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स दिया हुआ है, तो हमने बताना है इस लेंस का पावर कितना है। सो लेट्स गो टू द कैलकुलेशन पार्ट। फ्रॉम द फिगर वी हैव गिवन R1 इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, सो इट इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, दैट इज R1 इज प्लस 10 सेंटीमीटर and R2 is on the negative on the left side of the lens and it is the distance on the left side of the lens are to be taken as negative, so R2 will become minus 10 centimeter and mu refractive index of the convex lens numerical problem mein already diya hua hai 1.6, so refractive index of the lens is given as material of the lens is given as 1.6, so we have to find out the power of the lens. So for that we will use we will go to the calculation part. We will use the lens formula, lens maker's formula, that is 1/ε(μ-1)/R1-1/R2. Isko equation first mein rakhenge. So from here we will put up the values in this relation, in the relation first, equation first. So we will get 1/ε = 1.6 - 1 μ (1.6)-1 × 1/R1 (10A) - 1/R2 (-10A). सो ये बनेगा 1/ε = 0.6 × 1/10 + 1/10। सो दिस इज ऑन पेज नंबर 31। वी विल शिफ्ट पेज नंबर 32। सो दिस इज 1/ε, फर्दर जो स्टेप इट विल बिकम एज 1/ε = 0.6 × 1 + 1/10। ये बनेगा 0.6 × 1 + 1 = 2/10 और ये बनेगा 0.6 × ये बनेगा 1/5 और f = 1/5 / 0.6। सो जो फोकल लेंथ हमें निकला यहाँ पर, क्योंकि पावर को निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ निकालना है पहले, सो फोकल लेंथ हमें यहाँ से लेंस मेकर्स फार्मूला को यूज़ करके फोकल लेंथ निकला, इट इज़ 8.33 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। वो फोकल लेंथ हमें पता है अब, तो पावर ऑफ द लेंस कितना होगा हमें पता है, वी नो दैट पी इज कल जो पावर ऑफ द लेंस है दैट इज 100/f। तो यहाँ पर जब सेंटीमीटर में होता है तो पावर ऑफ द लेंस बराबर होता है पी इज कल टू 100/f। सो पी जो होता है 100/8.33, एफ हमने ऊपर से निकाला, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हमने निकाला, सो पावर ऑफ द लेंस बराबर होगा 100/f, दैट विल गिवन बाय दिस रिलेशन, पावर इज इक्वल टू 100/f, जो अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा पावर, सो 100/f डायप्टर। सो यहाँ पर 100/8.33 आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर जो पावर जो है वो सेंटीमीटर में लगे वो दैट इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन, जब सेंटीमीटर में होता है तो पावर ऑफ द लेंस इज गिवन बाय 100/f डायप्टर एंड गो पी इज 100/8.33 और जो पावर ऑफ द लेंस है दैट इज इक्वल टू 12 डायप्टर। सो जो इस न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में जो हमने पावर ऑफ द लेंस निकालना था, पहले हमने निकाला फोकल लेंथ, फिर उसके बाद हमने पावर ले लिया, पावर निकाला कि पावर ऑफ द लेंस इज वो जो जिस लेंस का फोकल लेंथ 8.33 सेंटीमीटर है उस लेंस का जो पावर है दैट इज 12 डायप्टर। सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो।